हेलो फ्रेंड्स, मैं मंजू श्रीवास्तव अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, पहचानिए ये क्या चीज़ है। ये पान है और इसको बीटल लीफ कहते हैं, इसी को पाइपर बीटल भी कहते हैं। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। हमारे इंडिया में इसके बिना कोई भी काम अधूरा है। ये हर पूजा में, हर शुभ अवसर पर इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है, बिना इसके कोई काम होता ही नहीं है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि इसको कैसे लगाया जाता है और इसकी लगाने में क्या क्या सावधानियां हमको रखनी चाहिए। तो सबसे पहले देखिए आप इसके, कि इसको मैंने ज़मीन में लगाया हुआ, ये देखिए खूब अच्छा ये फ्लरिश कर रहा है। यहाँ पर देखिए, ये काफ़ी पुराना है मेरा ये प्लांट, और इसको मैंने अभी ज़मीन में इसलिए इसको चढ़ाया नहीं है सहारा देकर, क्योंकि कुछ लोगों को मुझे ये इसको देना है। और तो इसको मिट्टी में से निकाल के मिट्टी में लगाऊंगी तो वो बड़े इजीली लग जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको दिखाने के लिए मैंने पानी में ग्रो किया है कि इसको पानी में ग्रो करके भी लगा सकते हैं, और ये बहुत ईजी टू ग्रो प्लांट है और कोई इसकी हैसल नहीं है। कीड़ा वीड़ा भी इसमें ऐसा कोई ख़ास नहीं लगता है ना, लेकिन बस इसकी दो तीन चीज़ें हैं जो हमको ध्यान रखेंगे तो ये बहुत अच्छा चलता है। सबसे पहली चीज़ है इसकी प्लेसिंग। इसको डायरेक्ट सनलाइट बिल्कुल पसंद नहीं है, ये जल जाता है। तो देखिए, ये इसको मैंने नीचे ज़मीन में कोने में लगाया हुआ है। तो एक वॉल ये इस साइड है और दूसरी वॉल ये इस साइड है, और ऊपर देखिए आप ट्रीज हैं। अनार का है ये पेड़, इस साइड निरगुंडी का है और अमरूद का है, और ये मेरी नेबर का पेड़ है मौसमी का। तो इसको यहाँ पे थोड़ी सी ना छाया मिलती है, जो भी रोशनी आती है वो छन छन के आती है। और नीचे आप देखिए, सारे यहाँ गमले गमले रखे हुए हैं ढेर सारे। तो इसको यहाँ बहुत अच्छी, इसके लिए बेहतरीन कंडीशंस हैं, वार्म एंड ह्यूमिड और इनडायरेक्ट सनलाइट। तो यहाँ ये खूब अच्छा चल रहा है। अभी देखते हैं इसको लगाने का तरीका क्या है, तो आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये पान के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। ये देखिए, मैंने तोड़ा हुआ है, ये मेरे बगीचे में ही लगाया, काफ़ी पुराना है पेड़। ये पेड़ क्या है, ये वाइन है, बेल, और ये नीचे नीचे अभी फैला रखी है। मैंने इसको सपोर्ट नहीं दिया है क्योंकि बहुत लोगों ने मांगा हुआ है। ये जो है, ये दो तरह का होता है, एक स्पाइसी होता है, एक प्लेन होता है। ये वाला जो है ये थोड़ा मगही पान कहलाता है, और एमपी साइड बहुत चलता है। मैं इसे लेकर भी भोपाल से ही आई थी, एमपी से। तो काफ़ी पुराना है ये प्लांट मेरा, और विंटर में इसका डोरमेंट सीज़न होता है तो पत्तियाँ वत्तियाँ इसकी सूख जाती हैं, सिर्फ इसकी स्टेम रह जाती है। और जैसी गर्मी शुरू होती ना, फरवरी के लास्ट वीक से, मार्च के स्टार्ट से, और इसमें नए नए शूट्स आने शुरू हो जाते हैं पत्तियाँ, और बहुत आसानी से लग जाता है ये, कोई इसका इशू नहीं है। इसको बस दो चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है आपको, कि इसको एक वार्म और ह्यूमिड कंडीशन चाहिए। दूसरे, इसकी जो मिट्टी है हमेशा ना नमी बनी रहे लेकिन सौगी कभी भी ना हो। और सेकंड, और इसके अलावा ये कि इसको डायरेक्ट सनलाइट नहीं चाहिए, इसको सेमी शेड चाहिए है। जैसे मैंने आपको दिखाया अभी कि मैंने कॉर्नर में लगाया हुआ है ये पौधा वहाँ पर, और दो दीवारों का शेड कॉर्नर आता है उधर से, ऊपर से गमले आसपास रखे हुए हैं, ऊपर से पेड़ों का शेड रहता है। तो ये इसके लिए मतलब बेहतरीन कंडीशंस हैं। लेकिन ये है कि आप इसको अपने घर में भी मनी प्लांट की तरह अपने किचन में भी रख सकते हैं, अपने ड्राइंग रूम में भी सजा सकते हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ इसको कैसे लगाते हैं। पान पत्ता की वाइंस, ये देखिए मैंने ग्लासेस में पानी में लगा रखी थी, ये एक वीक से पानी में लगी हुई थी। ये देखिए इनकी रूट्स कितनी अच्छी आ गई हैं, देखिए अच्छी आ गई है ना। तो अभी मैं आपको इन्हें मिट्टी में लगा के दिखाऊंगी कि कैसे हो रही है। ये एक वीक की हैं इसकी रूट्स। और वैसे यहाँ अभी आजकल हमारे इधर दिल्ली NCR में तो बारिश बहुत अच्छी हो रही है, तो आप कुछ भी लगाइए बड़े आराम से हो जाता है, कुछ उसमें होते ही नहीं इशू। ये देखिए इसकी रूट्स कितनी अच्छी हो रही है, देखिए लगे बढ़िया डेवलप। जितने नोड्स हैं ना, सब पे से इसकी रूट्स निकलती हैं, और इन्हीं पे से इनके इनके वो निकलते हैं नई ब्रांचेस। तो ये देखिए निकल रहे हैं ना इसमें, देखिए
दिख रहा है आपको ब्रांचेस की निकलती हुई, ये दिख रहा है छोटा, है ना। और दिखाती हूँ मैं आपको, इसको दिखाती हूँ, ये अभी लगाने के लिए निकाले हैं ना आपके। ये देखिए, ये इसमें निकल आई है ना, देखिए दिख रहा है आपको नया, है ना। और इसमें इसमें भी छोटा सा बना हुआ है, दिख रहा है, ये नीचे बीच में बना हुआ छोटा सा, और इसमें थोड़ा बड़ा हो गया है, देखिए। इनको जल्दी निकालने के लिए क्या करना चाहिए, हमको ना ये पत्ते तोड़ते रहना चाहिए। वैसे भी हमारे यहाँ तो चलते ही हैं, सारी पूजाओं में कोई भी शुभ कार्य होगा, पान का पत्ता बिना तो वो काम पूरा होगा ही नहीं। शादी ब्याह हो, कोई भी शुभ कार्य हो, कोई भी पूजा हो किसी भी भगवान की, उसमें केले के पत्ते चाहिए ही होते हैं, ठीक है ना। तो ये वैसे पेपरसी फैमिली का प्लांट है, और ये साउथ एशियन कंट्रीज़ में बहुत चलता है, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, मलेशिया, तो ये खूब चलता है। और इसकी मेडिसिनल वैल्यूज़ भी बहुत होती हैं, कफ एंड कोल्ड में बहुत काम आता है ये, डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा रखता है। तो इसी कारण से हमारे घरों में, है ना, खाना खाने के बाद पान खाने का प्रचलन मेरे ख्याल पुराने टाइम से चला आ रहा है, है ना। तो सब इसे एक आदत समझते हैं, लेकिन ये आदत होने के साथ साथ ये एक हमारे खाने को बहुत जल्दी डाइजेस्ट करने में भी मदद करता है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे लगाते हैं। इसको मिट्टी में भी लगा सकते हैं, मतलब कि मैंने इसे इसमें पानी में ग्रो किया था, क्योंकि पानी में बहुत जल्दी ग्रो हो जाता है, और मिट्टी में मैंने लगाया नहीं है, वही आपको लगा के दिखाऊंगी मिट्टी में, ठीक है ना। इसके पौधों को पानी हमेशा चाहिए, इसकी नमी हमेशा बनी रहे, सॉइल में नमी रहे, लेकिन सौगी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बाकी इसमें पेस्ट वेस्ट भी इतना कोई खास लगता नहीं, कभी कभी कीड़ा वो होता है कि मतलब छेद हो जाता है पत्तों में, तो आप नीम ऑयल वगैरह का स्प्रे कर सकते हैं। तो देखिए मैं बताती हूँ इसको मैंने कैसी मिट्टी लेते हैं इसकी। तो फ्रेंड्स, इसकी मिट्टी मैंने ली है, टू पार्ट्स मिट्टी है, ग्राउंड सॉइल, एक पार्ट इसमें कंपोस्ट है, और थोड़ी मैं इसमें वो मिलाऊंगी रेत, रिवर सैंड, क्योंकि मिट्टी हमें वेल ड्रेन रखनी है और मिट्टी पोरस रहे हमेशा, नहीं तो मिट्टी सौगी होगी तो इसकी रूट रॉट हो जाएगा। तो मैं आपको इसको गमले में मिट्टी भर के दिखाती हूँ, क्योंकि वीडियो ना काफ़ी लंबा हो जाएगा नहीं तो। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये मैंने मॉस स्टिक ली हुई है, ये 3 फीट की है, और ये मुझे 50 रुपये की मिली है, है ना। आप जब मॉस स्टिक लें तो उसको अच्छे से दबा दबा के ऐसे देख लें कि हार्ड टाइटली वूवन है या नहीं, है ना, क्योंकि अगर ये लूज़ रही तो ये आजकल तो उस पर बनती है पीवीसी पाइप पे, तो पानी जल के कुछ महीने बाद ये ना नीचे खिसक आएगी, तो इसलिए इसको टाइट टाइट ऐसे देख लें लगा के कि ये टाइट है या नहीं है। वैसे मॉस स्टिक आप घर में भी बना सकते हैं, उसके लिए अब मैं वीडियो का भी अलग बनाऊंगी, अभी तो ये रेडीमेड आपको दिखा रही हूँ। तो ये गमला भर चुका है, इसमें मैंने आपको बताया था मैंने इसमें 2 पार्ट गार्डन सॉइल ली है, 1 पार्ट इसमें मैंने कंपोस्ट लिया है, गोबर का सड़ा हुआ खाद, या वर्मी कंपोस्ट मिल जाता है आप वो ले लीजिए, या पत्तियों का खाद ले लीजिए, जो आपको इजीली अवेलेबल हो। मेरे पास अभी वर्मी कंपोस्ट था, मैंने वो डाला है, है ना, और थोड़ी इसमें रेत डाली है। तो नीचे मैंने उसके नारियल के शेल डाल के उसके ऊपर थोड़ा रेत डाला था, ताकि पानी वेल्डेल रहे उसमें, रुके ना बिल्कुल भी, है ना। अब इसको हम बीच में लगा देंगे इसे, और ये देखिए इसकी यूँ तो ना इसकी ये देखिए नीचे से काफ़ी छोटा है, तो इसको बड़ा करने के लिए क्या है, इसको थोड़ा हम खींच लेंगे ताकि पूरा नीचे चला जाए, उसके बाद इसको वापस सरका देंगे नीचे तक, है ना। तो ये इसको लगाने में आसानी हो जाएगी हमको, अच्छे प्रेशर के साथ इसको इसमें लगा दीजिए। ये हो गया, ये मॉस स्टिक भी लग गई इसमें, ठीक है। अब हम इसकी ये निकालते हैं, ये देखिए इसके अच्छे रूट डेवलप हुए हुए हैं। तो हम क्या करते हैं इसके कि पत्ते लगे रहने देते हैं अभी। ये यहाँ से इसको थोड़ा सा गड्ढा किया, रूट्स इसमें डाला, और इसको पूरा नहीं दबाएंगे। आप देखिए, देख पा रहे हैं आप, पता नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा आपको मैं दिखा पा रही हूँ ठीक से या नहीं, है ना। देखिए और इधर से इसको चढ़ाती हूँ मैं इस पर, हाँ,
देखिए, इधर से इसको चढ़ाती हूँ मैं। तो अभी मैं इसको ऐसे ही चढ़ा रही हूँ और इसको क्या कर रही हूँ, इसको इसमें सेट करने के लिए ये लगा रही हूँ जूड़ा पिन। ठीक है, ये देखिए, तो जूड़ा पिन मैं कहाँ लगा रही हूँ, इसकी नॉब से, इसकी जो नोड्स हैं उसके नीचे, नोड्स के ऊपर से नहीं लगा रही है ना, बस इसको लगा दिया ऐसे, ये सेट हो गया। देखिए इसको इधर से, इसमें ना अकेले होने से बड़ा दिक्कत पड़ रही है इस टाइम, तो ऐसा लग रहा है कोई होता तो अच्छा रहता। देखिए इसको यहाँ से लगाया इसमें नोट्स के नीचे से और इसको ये कर दिया है ना। तो अब इसमें से और भी निकलेंगी तो आप इसको इससे भी बांध सकते हैं, किसी रस्सी से या किसी रोप से, जो आपको मिल जाए, सुतली वगैरह जो भी मिल जाए ना। तो ये इसको मैं अभी इससे बांध दे रही हूँ, थोड़ा पकड़ लेगी तो फिर मैं इसको खोल सकती हूँ। और जूड़ा पिन से बांधने का ये है कि एक तो दिखते नहीं है उसमें कभी भी, रस्सी से बांधो तो देखिए आप रस्सी दिख रही है ना। अब इसको हम अच्छे से पानी डाल देंगे, पहली बार तो बहुत अच्छे से ही डालना है पानी इसमें, है ना। और मैं आपको डाल के दिखाती हूँ पानी, कि जब भी आप पानी डालेंगे तो, अभी तो मैंने नया लगाया ना तो आपको मिट्टी में भी डालना है, उसके बाद आप जब भी पानी डालेंगे ना तो इसकी ये जो स्टिक है इसको बहुत अच्छे से गीला कर दें। मैं आपको रख के दिखा के करती हूँ कि इसमें स्टिक पे कैसे पानी डालना है। ठीक है, चलिए। तो देखिए आप इसको पानी इस तरह से देंगे, पूरी स्टिक को आप ऊपर से नीचे तक गीला कर देंगे अच्छा तर। ठीक है ना, एक बार या तो पहली बार है ना तो इसको अभी तो बहुत ज़्यादा गीला करना पड़ेगा, उसके बाद फिर उसमें थोड़ी मॉइस्ट ना बनी रहती है हमेशा ही, तो इतने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल तैयार हो गया है गमला आपका, देखिए आप, है ना, मिट्टी विट्टी में पानी भी अच्छा सा निकल गया है और मॉस स्टिक भी खूब अच्छी लग गई है। तो अभी आप देखिए कि अभी क्या है कि आप, ये मेरे पास मॉस स्टिक थी, मैंने इस पर आपको लगा के दिखाया। अगर आपके पास मॉस स्टिक नहीं है तो आप किसी बैम्बो के ऊपर बोरी लपेट के उसको रस्सी से बांध के और फिर लगा दीजिए। बैम्बू पे बोरी लपेटने के लिए इसलिए कह रही हूँ कि अगर आप उसको सीधा सिर्फ बैम्बू लगा देंगे तो ये जो बीच बीच में नोड्स पे से रूट्स निकल रही हैं इनको तो नमी कहीं से मिलेगी ही नहीं। ये जो निकल रही हैं ना, देखिए अभी तो ये नम है तो ये इसमें पकड़ लेगी एक दो दिन में। तो अभी लेकिन फिर आपको उसको जो बैम्बू पे आप लगाएंगे तो उस पे आपको बोरी लपेट लीजिए कोई, तो वो अच्छा चल जाएगा, है ना। और उसको रस्सी से कस के बांध लीजिए और उस पर फिर ऐसे ही इसको रस्सी से बीच बीच में से बांध के और लगा दीजिए, तो बीच उसको नमी मिलती रहेगी तो अच्छी उसका बेल, अच्छी उस पर जड़ें अच्छी ग्रेस्प करके अच्छी पकड़ के चढ़ती रहेंगी। और इसका प्लांट की भरने के लिए कि प्लांट आपका खूब लश ग्रीन फ्लरिश कैसे हो, तो इसके आपके पत्ते आपको इसको तोड़ते रहिए, पत्ते इसके तोड़ तोड़ के आप यूज़ करते रहिए, तो जितनी भी ये नोड्स हैं ना इनमें से नई ब्रांचेस निकलती रहेंगी और पूरे इसके खाली मॉस स्टिक को भरती रहेंगी। ये पत्ते तोड़ने से बाकी पत्तों का साइज़ भी बड़ा हो जाएगा। ये जो अभी जो पत्ता मैंने आपको दिखाया है ये मीडियम साइज़ का है, इसका जो पूरा साइज़ है ये पूरा खुल के पूरे हाथ के साइज़ का पत्ता है ये। तो ये रहा इसका तरीका पूरा लगाने का। ये देखिए अभी इसको आप कहीं भी रख सकते हैं, आप इसे चाहें तो अपने किचन में रख सकते हैं, वैसे मैंने इसे ड्राइंग रूम में रखने के लिए बनाया है। तो ये हो गया, इसको मनी प्लांट की तरह यूज़ करूँगी मैं, है ना। तो ये हो गया और अब मैं आपको इसको पूरी जितनी मुझे इसकी जानकारी थी मैं आपको उसे दे चुकी कि सॉइल कैसे बनाते हैं, फर्टिलाइज़र इसमें नहीं के बराबर डालने हैं, साल में एक बार जैसे इतना बड़ा गमला है तो इसमें एक मुट्ठी आप वर्मी कंपोस्ट या पत्तियों की खाद इसमें डाल दीजिए, सफिशियंट है, नहीं डालेंगे तो भी ठीक रहेगा। और नीचे मैं डालती हूँ, नीचे मैं बॉन मील और वो डालती हूँ पत्तियों की खाद, क्योंकि वो स्लो रिलीजिंग है ना, तो स्लो रिलीज़ होने से इनको एकदम से अटैक सा नहीं होता, कि इनको शॉक में नहीं आते पेड़ कि ये हमारे संग क्या हो गया अत्याचार, तो इसलिए आप वही डालिए। और बाकी इसमें कीड़े वीड़े इतने लगते नहीं हैं, कभी कभी इसमें छेद की प्रॉब्लम हो जाती है कि कोई कीड़े इसके या वो टिड्डे वगैरह इसके ना पत्तों में छेद कर देते हैं, तो उसके लिए आप नीम ऑयल और डिश वॉश लीजिए, आधा 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 चम्मच नीम ऑयल आधा चम्मच लिक्विड सोप, दोनों चीज़ें मिलाकर 1 लीटर की बोतल में डालिए और अच्छे से शेक करके इस पर अच्छे से स्प्रे कर दीजिए।
एक दो दिन ही करना होगा, उसके बाद ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उस पर लगते नहीं। अब मैंने तो एक आध बारी कभी किए होंगे, तो बाकी सब पेड़ों पे जब रूटीन में होता है स्प्रे तभी होता है। और ये हो गया, और इसको लगाइए आप। और बाकी इसको आपकी प्लेसिंग मैंने बता दी कि प्लेसिंग आपको कहाँ रखनी है। इसको डायरेक्ट सनलाइट बिल्कुल नहीं चाहिए, शेडी एरिया में चलता है ये। इसको वार्म और ह्यूमिड कंडीशन चाहिए ग्रो करने के लिए। मिट्टी पानी का ध्यान रखिए कि आप जब पानी डालेंगे तो स्प्रे बॉटल से सिर्फ इसके ये स्टिक ही गीली हो, इसी पे से जो पानी बच के आएगा वो नीचे मिट्टी को गीला कर देगा। तो और मिट्टी को आप देख लीजिए कि मिट्टी इसकी हमेशा ना मॉइस्ट रहे, सॉगी ना होने पाए। इसके नीचे आप प्लेट वगैरह मत रखिएगा, क्योंकि प्लेट में जो भी पानी जमा होगा ना उससे वो मिट्टी फिर सॉगी होने लग जाएगी, ठीक है ना। तो प्लेट में रख रहे हैं अगर, तो ध्यान रखिए कि प्लेट खाली रहे, उसमें पानी भरा हुआ ना रहे। तो फ्रेंड्स, ये हो गई इसके लगाने के बारे में पूरी जानकारी। जितनी मुझे नॉलेज थी मैंने आपको सारी दी। अगर आपकी कोई क्वेरीज हों, आपकी कोई डाउट्स हों, तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए अपने डाउट्स, मैं उनका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगी। और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स को शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। बाय बाय।